हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो। तो आज वीडियो में सीखेंगे तो बूम प्रेशर जो मशीन होती है, जिसकी लंबाई होती है 36 मीटर, 120 फीट इसकी बूम की लेंथ होती है। और यह आसानी से, जैसे कि हाइट होती है, कंक्रीट कॉलम होते हैं 3rd फ्लोर 4th फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ पर भी आसानी इसको बोरिंग कर सकते हैं आसानी से। ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाती है, 30 डिग्री पर रोटेट होता जाती है, जिस तरह से जो बूम होता है इसका आगे वाला। और जो ये काम चल रहा है, एक नाले काम चल रहा है, और जिसमें दोनों पार्टीशन गिवन है, और नीचे जैसे साइड में देख रहे हैं एजिंग में, तो जो इसकी आरसीसी वाल है, आरसीसी वाल में हमें ये लोड प्रेशर के लिए हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें से डिज़ाइन करें हम इसमें से। और इसमें ऑटो लेवल की मशीन की जरूरत पड़ती है, जो इसका जो कंक्रीट का जो बेड होता है, ठीक है, कंक्रीट का बेड लेवल होता है, इसका ऑटो लेवल मशीन से चेक करती रहती है। जैसे कि स्लोप हमें देना होता है, जैसे कि कहाँ पे हमें स्लोप उठाना है, कहाँ से हमें डाउन करना है, तो वो भी स्लोप इसमें दे दिया जाता है इस पर्पज़ के लिए। जैसे कि वहाँ पर स्लोप हमारा जीरो, अगर वहाँ पर जीरो रखना है, तो यहाँ पर 1 इंच उठाएँगे या फिर 2 इंच उठाएँगे, वो हमें ऑटो लेवल स्टेशन में चेक करेंगे, फिर ऑटो स्टेशन से चेक कर लेते हैं कंक्रीट का बेड।